दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हों या कोई भी शासक हों, उनका चुनाव देश की जनता करती है। जब देश के शासक सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं, आखिर जनता की बात कैसे होगी? इसीलिए मैं समझता हूँ कि तेरी मेरी सबकी बात होनी ज़रूरी है। और इस बात के साथ साथ कि ये सिर्फ बात होगी या इसे हम कोई रास्ता भी निकालेंगे। और जब हम रास्ता की बात करते हैं तो रास्ता निकालने के लिए हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वो मीडिया की है। लेकिन मीडिया को जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि वो सारे मुद्दे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कह लें कि कुछ हद तक वो गैर जरूरी हैं, उस पर खूब प्राइम टाइम होता है, बड़े बड़े विश्लेषक आते हैं। हालांकि वो विश्लेषक कितने हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको विश्लेषक साबित कर दिया जाता है। और ऐसे दौर में जब वैकल्पिक मीडिया की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये स्पेस हमारे पास होना चाहिए जहाँ मन की बात की जगह हम सब की बात होनी चाहिए। और इसीलिए यह जो शो है उसमें हम तेरी मेरी सबकी बात करते हैं। और आज हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, क्योंकि यह भारतीय राजनीति का एक गर्मा गर्म मुद्दा बन चुका है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बता रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और भारतीय राजनीति के अंदर यह मुद्दा कैसे बना, और यह मुद्दा आज तक बना हुआ क्यों है। हमारे एक प्रोफेसर हैं जो हमको पढ़ाते हैं, वो बार बार कहते थे, बेटा भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। और जब नीतियों में भ्रष्टाचार होता है तो जो नीति निर्माता हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाते हैं, और भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कैसे जो है लोअर लेवल का जो भ्रष्टाचार होता है, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी बात की जाती है, और नीतियों में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी बात नहीं की जाती है। और लोग भ्रष्टाचार सिर्फ यही समझते हैं कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर के कोई पुलिस वाला 100 रुपया ले रहा होता है। इसके अगर हम डिटेल में जाएँ तो प्रधानमंत्री के उस शब्द का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसको ऐसा समझना चाहिए कि किसी और को नहीं खाने दूंगा, जो मेरे इर्द गिर्द हैं सिर्फ वही खाएंगे, इसको इस रूप में लेना चाहिए। और ये बात सिर्फ बात नहीं है। अभी दो आर्थिक नीति ऐसी आई है जिस पे बहुत जोरों की चर्चा हुई है, एक जब नोटबंदी की गई और दूसरा जब GST लागू किया गया। मैं GST के फुल फॉर्म में नहीं जाना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डिस्कोर्स को इस तरीके से रिड्यूस करना चाहिए। गब्बर सिंह टैक्स या वाड्रा एडेड टैक्स, इसमें नहीं करना चाहिए। उसकी जो डिटेलिंग है उसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सबसे पहले यदि डीमोनेटाइजेशन की बात करें, 283 का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, और 18 राज्यों का नंबर भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार इस देश की जनता को उसका नंबर याद कराते रहते हैं। 125 करोड़ लोगों से किसी भी पार्टी का ताकत हमेशा कम रहेगा। इसीलिए यदि हम तथ्यपरक विश्लेषण करें जो इस देश के अंदर हो रहा है नोटबंदी के बाद, तो हमको कई नतीजे सामने आएंगे। सबसे पहली बात, RBI किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का संस्था नहीं है। RBI एक संवैधानिक संस्था है, और RBI ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जितने नोट हमने छापे थे उतने नोट हमको वापस आ गए हैं। तो सवाल ये है कि जितना आपने छोड़ा उतना यदि आपके पास वापस आ गया तो बीच में पानी रुका कहाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि बार बार, क्योंकि भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार एक लोक लुभावन मुद्दा है, इस पे बड़े बड़े लोगों की राजनीति चमकती है। सिर्फ राजनीति नहीं चमकती है, बिजनेस भी निकल पड़ता है। देखिए बाबा रामदेव जो है आज कितने बड़े जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, वो भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए थे, कपाल भाती सिखाते सिखाते फेस वॉश बेचने लगे हैं। तो उनका जो पूरा का पूरा ये योगदान है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई की, तो उस दौरान वो एक बात बोला करते थे। वो कहते थे कि सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, और सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, भारतीय जनता जो है स्विस बैंक की बजाय जो है वो SBI के बाहर लाइन लगाई हुई है, और 100 से ज़्यादा लोग जो है उसमें मर गए हैं। अब समझ में नहीं आता है कि ये सारे 100 के 100 लोग जो हैं वो काला धन रखने वाले लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, और इस देश के अंदर जो माल्या हैं और उनके जैसे लोग हैं वो सदाचार में हैं, और सदाचार फैलाने के लिए भारत से वो इंग्लैंड का प्रवास कर चुके हैं और वहाँ पे सदाचार फैला रहे हैं। ऐसी जो परिस्थिति देश के अंदर है उसमें एक मोटी बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कॉन्क्रीटली क्या हुआ। तीन वादे किए गया,
पहला कि काला धन वापस आएगा। आरबीआई कह दी कि कोई काला धन वापस नहीं आया है। उल्टे क्या हुआ है कि नोट के नाम पे 2000 का नोट आया है, गुलाबी धन है, 200 का नोट आया है, वो भगवा धन है, उसके बाद जो है हरा धन आने की बात की जा रही है, लेकिन काला धन अभी तक देश के खजाने में नहीं आया है। दूसरी बात ये है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनको इनाम दिया गया है, और उनको ये कहा गया है कि आप यदि कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, जो ही आप भाजपा का माला पहनते हैं त्यों ही आप सदाचारी हो जाते हैं। और जितने लोग अभी हाल ही में नारायण राणे साहब को कांग्रेस ने जो है कहा कि आप रुक जाइए, वो बोले नहीं, आपके यहाँ यदि हम नहीं भी खाते हैं तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम आपको खाने नहीं देंगे, इसीलिए वो अपने पास बुला रहे हैं कि आप आइए और यहाँ आकर के खाइए और आप भ्रष्टाचारी भी नहीं रहेंगे। जितने भी आरोपी थे कांग्रेस के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था उनको भाजपा में शामिल करा लिया गया है। इसके साथ साथ एक और लोक लुभावन बात कही गई, ये कहा गया कि भ्रष्टाचार और काला धन का जो पैसा होता है उससे आतंकवाद चलता है, इसीलिए आतंकवाद को रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन का होना ज़रूरी है। अब हमको लगा, हम सब लोगों को शायद लगा होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो पैसे लेकर के इस देश के अंदर जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं वो आतंकी पकड़े जाएंगे। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, जो आतंकवादी 500 और 1000 के नोट के साथ पकड़े गए उनका नाम, राज्य और किस संगठन से उनका ताल्लुक है, वो लश्करे तैयबा के हैं कि कौन से माओवादी संगठन से वो जुड़े हुए हैं, इसका आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तमिलनाडु के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका नाम अरुण है और उनका जो संगठन है वो भाजपा के यूथ विंग के नेता हैं, जिनके पास से 22 लाख 500 और 1000 के नोट पकड़े गए। आप तय कर लीजिए कि अरुण जी आतंकवादी हैं कि नहीं हैं, और जिस संगठन के वो नेता हैं भाजपा का यूथ विंग, उसको आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही आपके मन पे मैं अपने मन की बात को थोप रहा हूं, यह आपका नज़रिया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। दूसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां आप सुने होंगे कि चीट फंड घोटाला हुआ है, शारदा स्कैम हुआ है, और जो व्यक्ति का नाम उसमें बहुत प्रमुखता से उछाला जा रहा था वो बीजेपी में एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां जो व्यक्ति 500 और 1000 के नोट के साथ पकड़े गए हैं उनका नाम मनीष शर्मा जी है, और वो भी भाजपा के वेस्ट बंगाल के लीडर हैं, जिनके पास से 33 लाख रुपये 500 और 1000 के नोट पाए गए हैं। बंगाल के बाद जब हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पे 91 लाख रुपए के साथ जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका नाम सुभाष देशमुख है, और इत्तफाक से ये भी भाजपा में ही हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है कि जो भी लोग इस दौरान पकड़े गए डीमोनेटाइजेशन के बाद, जिनके पास 500 और 1000 के नोट थे, जिनके पास लाखों और करोड़ों रुपए प्राप्त हुए हैं, वो सब भाजपा के किसी न किसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं युवा भारत, श्रेष्ठ भारत, ये कौन सा श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, यह सवाल अपने मन से प्रधानमंत्री के मन की बात को काउंटर करते हुए लोगों को पूछना चाहिए। कर्नाटका में भी जो राकेश नाम के व्यक्ति पकड़े गए हैं वो भाजपा यूथ विंग के लीडर हैं, और उनके पास से ज़्यादा रुपया नहीं मिला है, उनके पास से कुछ 20 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद ज़्यादातर रुपए इधर उधर सेट कर दिए गए थे। मेरा आरोप सिर्फ भाजपा पे नहीं है, मेरा आरोप दूसरे भी राजनीतिक दलों पे थे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश के अंदर जो जनमानस था, जो जनता की समस्याएं थी, उसको लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैंने सिर्फ एक पॉलिसी को उठाया है जिस पॉलिसी के बाद इतने लाख रुपए जो हैं वो भाजपा के नेताओं के पास से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ एक और डिटेल प्राप्त हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद ही भाजपा ने अपने बहुत सारे जिला नेतृत्व को पैसा दिया जमीन खरीदने के लिए। बिहार का आंकड़ा हमारे पास है कि लगभग हर जिले में भाजपा ने भाजपा कार्यालय के लिए जमीन की खरीद फरोख्त की है। इन आंकड़ों को यदि हम बात करें जिसमें जो लोग प्राप्त किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। और नोटबंदी के बाद भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह कहा गया कि यह नोटबंदी की सफलता है। एक बात लोगों को समझनी चाहिए कि यदि जीत ही हर चीज़ का पैमाना है तो रावण साहब भी हारने से पहले हर जगह जीत ही रहे थे।
आते हैं कुछ और ऐसे आंकड़े हैं जिन पे हम बात करें कि भाजपा शासित राज्यों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या उसको भ्रष्टाचार माना जाए या सदाचार माना जाए। राज्यवार आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में एकमात्र उद्योग संस्थान और एकमात्र उद्योगपति हैं जिनके मुनाफे में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शायद आप उनका नाम जानते होंगे, वो अदानी साहब हैं। उनके प्राइवेट चार्टर प्लेन में हमारे प्रधानमंत्री की चाय पीती हुई एक तस्वीर आई थी। प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची है कि नहीं बेची है, लेकिन वो प्राइवेट चार्टर प्लेन में बैठ करके अदानी के साथ चाय पीते हैं, इसका एक प्रमाण जो है वो सोशल मीडिया पे इन दिनों घूम रहा है। इसके साथ साथ यदि हम स्कैम्स की बात करें, पहली बात तो ये है कि 2G 3G, इसके साथ साथ लोग एक और जी लगा दिए थे, जीजा जी, ये जितने तरीके के स्कैम हुए हैं, इससे किसी भी स्कैम में सरकार अब ख़त्म होने को है। और सरकार का ये एजेंडा है कि सारा कुछ जो है वो 2022 तक पूरा करेंगे। हम लोग अपना कान लगाए रहते हैं कि आकाशवाणी से मन की बात में कब ये कहा जाएगा कि 2022 तक सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाला जाएगा। कोई भी नेता जेल में नहीं डाले गए हैं, उल्टे उनको भाजपा का टिकट दिया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। आने वाले कुछ राज्य में चुनाव हैं, हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री का पद भी प्राप्त हो सकता है। और गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है। पिछले 15 साल से गुजरात विधानसभा का चुनाव जो है वो इस देश के अंदर संसद के चुनाव की तरह होती है, वो जनरल इलेक्शन की तरह होता है। इस बार भी गुजरात में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री साहब जो है वो कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है। हम भी मानते हैं कि गुजरात में विकास हुआ है, वहाँ घोटालों में विकास हुआ है, वहाँ रोड के जो गड्ढे हैं उसमें विकास हुआ है, वहाँ जो किसान हैं उनकी आत्महत्याओं में विकास हुआ है, और विकास हुआ है वहाँ के जो नेता हैं उनके बच्चों के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उसमें विकास हुआ है। और गुजरात की यदि स्कैम की हम बात करें तो यह फहरिस्त ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर पॉपुलर स्कैम की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 10 ही स्कैम वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला स्कैम पेट्रोलियम स्कैम का है, दूसरा स्कैम ONGC गैस का है, तीसरा स्कैम जो है अडानी SR और रिलायंस ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने का है, तीसरा स्कैम आंगनवाड़ी फूड स्कैम का है। अब आंगनवाड़ी की जब बात होती है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। हालांकि मुझे प्रधानमंत्री की तरह रोना नहीं आता है इसलिए मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आंगनवाड़ी फूड स्कैम में 500 करोड़ का घोटाला किया गया है और टेंडर जो है एक ऐसी कंपनी को दी गई है जो भाजपा के साथ बहुत नज़दीकी रखते हैं, बहुत क्लोज हैं, और उस कंपनी ने उस फूड स्कैम में, आंगनवाड़ी फूड स्कैम में 500 करोड़ का घोटाला किया है। ये आरोप है, और आरोप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल एक नया चलन चला है कि किसी भी वैकल्पिक आवाज़ को दबाने के लिए मानहानि का खेल खेला जा रहा है। इसीलिए मैं जो भी कह रहा हूँ यह सब आरोप है। पता नहीं सरकार इस पर कब आरोप पत्र दाखिल करेगी और कब आरोपियों को जेल में डाला जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्कैम हुआ है जिसको राइस स्कैम कहते हैं। बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ और उस वक्त एक जोक बहुत पॉपुलर हुआ था कि जो सत्ता में होते हैं वो सिर्फ EVM को नहीं CM को भी हैक कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लोगों से यह कह करके वोट मांगे थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, वो आज उनके साथ हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और उस राज्य में, चूंकि वो राज्य भी अब भाजपा शासित राज्य है, तो वहाँ पे एक घोटाला बहुत पॉपुलर हुआ है। हालांकि घोटाले का नाम बहुत सुंदर है, सृजन घोटाला। बताइए, सृजन घोटाला, दुर्जनों के काम को सृजन घोटाला का नाम दिया जा रहा है। और उस घोटाले में लगभग सारे जो रसूख के लोग हैं उनका नाम उसमें शामिल है, खुद उप मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदारों का नाम शामिल है। और इस घोटाले में कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी हाथ है, लेकिन मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस घोटाले में 880 करोड़ रुपया खाने का आरोप है। मतलब सृजन के लिए 880 करोड़ रुपया बहुत ही कम है। मैं समझता हूँ कि सृजन के लिए इसका कम से कम 8,080 करोड़ होना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर मैं सारे राज्यवार घोटालों की चर्चा करूँ तो आप बोझिल हो जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में PDS स्कैम हुआ है, राजस्थान में माइनिंग स्कैम हुआ है, और महाराष्ट्र के अंदर चक्की स्कैम हुआ है, लैंड स्कैम हुआ है, कर्नाटका के अंदर भी माइनिंग स्कैम हुआ है। और मैं यहाँ पर यह बात आपको जोर देकर बताना चाहता हूँ कि जिन रेड्डी बंधुओं के ऊपर
माइनिंग स्कैम का आरोप लगा था वो भाजपा के सहयोगी माने जाते हैं, और भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा साहब उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं, और येदियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर माइनिंग स्कैम का आरोप लगा, उनको मुख्यमंत्री पद से भाजपा ने इस्तीफा कराया, और फिर भाजपा को लगा कि हमारी डूबती नैया को बचाने के लिए येदियुरप्पा जैसे पतवार की ज़रूरत है, फिर से उनको सम्मान भाजपा में शामिल करा दिया गया है और वो आज भी भाजपा के नेता हैं, और माइनिंग स्कैम के ऊपर कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, कोई जांच की प्रक्रिया भी उसमें नहीं चल रही है। उत्तराखंड के अंदर भी सेवरल स्कैम्स की बात हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कैम है वो है NHAI का स्कैम, और NHAI आजकल नितिन गडकरी साहब के हाथ में है। नितिन गडकरी साहब सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट की मंत्रालय को देखते हैं, वो इस बात के लिए भी मशहूर हैं कि उनकी बेटी की जब शादी हुई तो उसमें जो है बहुत सारे चार्टर प्लेन आए थे, करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया गया था, और ये शादी तब हुई थी जब इस देश की आम जनता को 2000 रुपये का नोट नहीं मिल रहा था। उस वक्त यह लोगों ने पूछा कि इतना रुपया मंत्री जी के पास कहाँ आया। मुझे लगता है कि मंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कोई भी नेता यदि अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपया खर्च करता है यह राष्ट्रहित में सही है, इसको बिल्कुल गलत नहीं मानना चाहिए। ये आंकड़ों का खेल है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये सारे घोटाले के आरोप हैं और जिनके ऊपर कोई चर्चा इस देश के अंदर नहीं हो रही, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जोर जोर से कह रहे हैं कि हमारे राजकाज में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ ये या तो ये सारे पुलिस केस सही हैं या हमारे प्रधानमंत्री सही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं ही विकास हूँ, और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि हमारे राजकाज में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनकी ही पुलिस और उनकी ही जाँच एजेंसी और उससे प्राप्त आंकड़े यह बात साबित करते हैं कि भाजपा के राजकाज में भी भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री GST का चाहे कितना भी प्रचार करते हों, इसके अलावे वो बहुत सारा ऐसा कानून बनाते हैं जिसका वो प्रचार बिल्कुल नहीं करते हैं। और इस पे यदि हम एक कानून की चर्चा करें, एक मनी बिल की चर्चा करें, तो एक बिल ये लाया गया है कि किसी भी कॉरपोरेट हाउस के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया गया है यह बात आप RTI के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो डिटेल है उस डिटेल को आप प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उस डिटेल को किसी और को भी सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक ADR का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, चंदा के मामले में भी वो सबसे आगे है, और उसके पास 850 करोड़ रुपये होने का दावा किया गया है। ऐसे में मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि राजनीति यदि पेशा नहीं है सरोकार है, तो राजनीतिज्ञ और राजनेता उनके रिश्तेदारों और उनसे संबंध रखने वाले उद्योग घरानों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब नीतियों में भ्रष्टाचार होता है नीति निर्माता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और नीति निर्माता का चुनाव हम लोग करते हैं। इसीलिए किसी भी लोक लुभावन मुद्दे की बजाय यदि हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं, यदि हम संविधान को बचाना चाहते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बना करके एक सही नीति लागू करवाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश के लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इस देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी, महिलाओं पर अत्याचार कैसे कम होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाएगा, परिवहन की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों में ही भ्रष्टाचार किया जाता है। अब यदि हम बारी बारी से जो हमारे बेसिक इशूज हैं उसकी चर्चा करें कि यदि इस देश के सरकारी स्कूल बेहतर परफॉर्मेंस करें, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको कह दूँ कि निवेश का मतलब होता है चीज़ों का निजीकरण। इत्तफाक की बात है कि आज भी इस देश का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी JNU सरकारी है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल एम्स सरकारी है, सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT सरकारी है, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज IIM सरकारी है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं कि सरकारी संस्थानों को इस तरीके से बदनाम क्यों किया जाता है। सरकारी संस्थानों को इस तरीके से बदनाम इसलिए किया जाता है कि जब निजीकरण की नीति बनाई जाएगी भरपूर भ्रष्टाचार किया जाएगा, और इस
भ्रष्टाचार की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक व्यक्ति को, चाहे उस पायदान में वो कहीं भी खड़ा हो, उसमें उसको शामिल कराया जाएगा। मसलन यदि सरकारी हॉस्पिटल ठीक से चले, सरकारी स्कूल ठीक से चले और सरकारी ट्रांसपोर्ट ठीक से काम करे, मैं नहीं समझता हूँ कि 20,000 रुपये कमाने वाले उस पुलिस वाले को सिग्नल पे खड़ा होकर के 100 रुपये घूस लेने की ज़रूरत है। और यह 100 रुपये के घूस का जो जस्टिफिकेशन है वो अंततः इस देश के अंदर 1,000 करोड़ के करप्शन को जस्टिफाई कर देता है। इसीलिए नीतिगत तौर पर आज हम युवाओं के सामने यह लक्ष्य है कि हमारा चुनाव का मुद्दा और समाज के अंदर सामाजिक आंदोलनों का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और गैर बराबरी को ख़त्म करते हुए आत्मसम्मान का जो सवाल है उसको प्रमुखता से उठाना चाहिए। वरना भ्रष्टाचार अपने राज्य व्यवस्था की स्थापना काल से ही चलता रहा है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोर के इशूज को छोड़ करके पेरिफेरीज के इशूज को उठाते रहेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी अपने अंदर इन चीज़ों को, किसी भी सच को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज सूचना और न्यूज़ के नाम पे शोर शराबा ज़्यादा है, ज्ञान की बात और काम की बात बहुत कम है। इसीलिए इन बातों के साथ ही आप सब लोगों के साथ में विदा लेना चाहूँगा। तेरी मेरी सब की बात में आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा।